अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप तमाम दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक और नई और अमेजिंग वीडियो में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। थंबनेल के ऊपर आप दोस्तों ने पढ़ लिया होगा, आज की जो सेटिंग हमने करनी है जी NSS 695° ईस्ट से VideoCon 88° ईस्ट के ऊपर हमने जाना है। कैसे ये आप सेटिंग आसानी से कर सकते हैं और किस तरीके से आप VideoCon 88° ईस्ट 2 या 2.5 फीट डिश के ऊपर ईजिली ट्रैक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो आप दोस्तों ने कंप्लीट देखनी है। आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त चैनल पे नए, मेहरबानी करके चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि नेक्स्ट भी आप दोस्तों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे। डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर मैंने फ्रिक्वेंसी लगाई हुई है 1190 वर्टिकल 29,500, ये फ्रिक्वेंसी है जी NSS 6 की। आपने जब भी सेटिंग करनी है सबसे पहले आप दोस्तों ने NSS 6 को सेट कर लेना है। NSS 6 हमारे पास 2 या 2.5 फीट पे कैसे सेट होती है, आपने डिश का रुख रखना है जी मशरक वाली साइड पे। मशरक वाली साइड पे रखने के बाद आपने इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इस सेटेलाइट को ट्रैक करना है। तो आप दोस्तों के सामने मैं ट्रैक कर रहा हूँ, जो ही सिग्नल मेरे पास आए ये देखें यहाँ पे मेरे पास सिग्नल आ चुके हैं जी 76% तक NSS 6 वाली फ्रिक्वेंसी के। उसके बाद अगर आपने VideoCon 88° इस पे मूव होना है तो कितना आपने मूव होना है यहाँ पे आप दोस्तों ने एक निशान लगा लेना है जी। ठीक है, आप दोस्तों के सामने मैं निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, ये निशान है जी हमारा NSS 6 का। ठीक है, NSS 6 से जब भी आपने मूव होना है जी VideoCon पे निशान लगाने के बाद, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं फ्रिक्वेंसी चेंज कर लेता हूँ। VideoCon की सबसे आसान फ्रिक्वेंसी 11050 हॉरिजेंटल 30,000 आपने लगा लेनी है। लगाने के बाद अगर आप डिश के पीछे बैठे हैं तो NSS 6 से आपने जाना है राइट साइड पे। ठीक हो गया, राइट साइड पे आप जाएंगे तो आपके पास VideoCon 88° ईस्ट ट्रैक होगी। मेरी लोकेशन इस्लामाबाद में है। काफ़ी सारे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि आप इस्लामाबाद में VideoCon की सेटिंग करके हमें दिखाएं 2 या 2.5 फीट डिश के ऊपर। तो आप दोस्तों के सामने मैं डिश को मूव करने लगा हूँ जी राइट साइड पे। तो DVD सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर आप नज़र रखें, सिग्नल जो ही मेरे पास आएंगे आप दोस्तों को भी यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो ये देखें 74% तक सिग्नल आ चुके हैं जी मेरे पास VideoCon 88° ईस्ट के। हल्का सा डिश को और हम राइट की तरफ करते हैं तो ये देखें डिश को मैंने छोड़ दिया है और सिग्नल मेरे पास DVD सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर आ रहे हैं जी 74% तक। और ये निशान था हमारा NSS 6 का और इससे आगे हमारा निशान आ गया जी VideoCon 88° ईस्ट का। ठीक है, अगर आपके पास VideoCon 88° ईस्ट सेट हो जाती है तो उसके बाद अगर आपने VideoCon के साथ NSS 6 लगाना चाहते हैं आप तो वो आप किस जगह पे लगा सकते हैं, वो भी आज की वीडियो में आप दोस्तों को यहाँ पे मैं शॉर्टली गाइड कर देता हूँ कि अगर आपके पास VideoCon सेट हो चुकी है तो उसके बाद आप NSS 6 कहाँ पर लगा सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दोबारा से मैं लगा लेता हूँ जी NSS 6 की। ठीक है, और उसके बाद आप दोस्तों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ से LNB की तार हम निकाल लेते हैं जी। तार निकालने के बाद दूसरी LNB कनेक्ट करने के बाद आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने VideoCon के बाद NSS 6 को किस जगह पे इजीली ट्रैक करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें, हमारी NSS 6 लेफ्ट साइड पे थी, हमने डिश को राइट साइड पे मूव किया है तो हमारे पास VideoCon 88° इसके सिग्नल ट्रैक हुए हैं। अब जब हम मल्टी सेटअप लगाएंगे VideoCon के साथ NSS 6 को ट्रैक करेंगे तो NSS 6 को हमने राइट साइड पे ट्रैक नहीं करना, जिस साइड से हमने डिश को मूव किया है VideoCon 88° इस पे हमने इसको ट्रैक करना है जी डिश के। अगर आप आगे बैठे हैं तो लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने मैं इसको ट्रैक करने लगा हूँ। LNB का स्क्रू एंगल हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, कुछ इस तरीके से हमने रखना है जी इसका स्क्रू एंगल और VideoCon के साथ ही हमने इसको ट्रैक करना है। थोड़ा सा हम LNB को ऊपर वाली साइड पे लेके आएंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ करते हैं। ये देखें यहाँ पे LNB की स्ट्रेंथ हमारे पास बढ़ रही है और पत्री को हम बाहर वाली साइड पे कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ट्रैक होती है जी NSS 6। LNB को मज़ीद VideoCon से ऊपर वाली साइड पे मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास NSS 6 के सिग्नल ये देखें यहाँ पे 67% तक सिग्नल आ चुके हैं NSS 6 के। और जब आपके पास NSS 6 लगा हो तो NSS 6 के साथ आप VideoCon 88° इस जब आप ट्रैक करेंगे तो वो आपने LNB रखनी है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें अब VideoCon के साथ NSS 6 के सिग्नल तो हमारे पास आ जाते हैं जी इस जगह पे। ठीक है, इसके बाद अगर 83° की छोटी सी ट्राई करें सिर्फ आप दोस्तों को समझाने के लिए कि आप ये सेटेलाइटें ईजीली अपने पास लगा सकते हैं 2 या 2.5 फीट डिश के ऊपर। तो यहाँ पे टाटा स्काई 83° इसकी फ्रिक्वेंसी मैंने लगा ली है जी 11010 वर्टिकल 32,720 वाली, सिग्नल जूम कर दिए मैंने।
इस सेटेलाइट को आपने करना है जी वीडियोकॉन। अगर आपकी लगी हुई है सेंटर में तो NSS 6 राइट साइड पे आएगी, अगर डिश के पीछे बैठे हैं आप, और टाटा स्काई जो है 83 डिग्री वो आएगी आपकी लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे इसको मैं ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ कि सिग्नल हमारे पास आते हैं 2.5 फीट डिश के ऊपर के नहीं। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 16% तक सिग्नल आ रहे हैं, 21% हो गए, ठीक है। LNB को मज़ीद हमने नीचे वाली साइड पे करना है, ऊपर वाली साइड पे नहीं करना। NSS 6 को ऊपर किया था, अब हमने टाटा स्काई को नीचे वाली साइड पे करना है। तो ये देखें, 11010 वर्टिकल 32720 वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसके सिग्नल हमारे पास 74-72% तक जा रहे हैं, ये देखें, ठीक है। अब ये सिग्नल कम है, अगर आप इन सिग्नल को मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो LNB का स्क्रू एंगल आपने चेंज करना है, कुछ इस तरीके से LNB का स्क्रू एंगल आपने कर लेना है। तो ये देखें, सिग्नल हमारे पास 74% तक आ चुके हैं। बिल्कुल आसान सेटिंग होती है, बस आप वीडियो कंप्लीट देख लिया करें, आपको ये सारी सेटेलाइटें लगाने में कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। तो छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।